महेंद्रगढ़ में गणपति विसर्जन के समय 4 की मौत व 4 घायल के मामले में परिजनों व सामाजिक लोग सरकार से मृतक के आश्रितों को 10 लाख व एक नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे। सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद SSP बैसरियम ने मांग पत्र को जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया। फोन पर जिला उपायुक्त ने मंगलवार तक उचित कार्यवाही का आश्वासन देने पर परिजन शव को दाह संस्कार के लिए लेकर गए। कल का दिन महेंद्रगढ़ के इतिहास में बहुत ही दुखी दिन था, जिस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन करते समय 4 की मौत व 4 लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में आज सुबह सरकारी हॉस्पिटल में देखते ही देखते भीड़ एकत्रित हो गई। फिर वहां उपस्थित सामाजिक लोगों व परिजनों द्वारा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग करने लगे और सभी अस्पताल में धरने पर बैठ गए। वहां उपस्थित लोगों ने सरकार से मांगी कि सरकार मृतक के आश्रितों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दे, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ये 4 बच्चे थे, ये मेरे ही परिवार के बच्चे थे और ये दुख सहन नहीं हो पा रहा मेरे से और पूरे महेंद्रगढ़ से। तो हमारी यही मांग है और चेतावनी है सरकार को, या तो हमें मुआवजा दे नहीं तो हम अपनी डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। हमें 10 लाख रुपए कम से कम और एक नौकरी परिवार में हमें चाहिए, बहुत ही गरीब परिवार है। जी सर, जो आज ये लोग बैठे थे कुछ धरने पे, उसको लेकर आपने क्या कहा? देखिए, जैसा वजह है कि 9 सितंबर 2022 को महेंद्रगढ़ में जगरोली नहर में गणेश विसर्जन के दौरान कुछ बच्चे डूब गए थे। उनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 बच्चों को नहर में से निकाला गया और उसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई है। इसी संदर्भ में उनके परिजन यहाँ नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में इकट्ठा हुए थे और न्यायोचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। उनकी मांगों का हमने त्वरित संज्ञान लिया और उनसे एक एप्लीकेशन ली जिसमें सभी बच्चों के नाम, उनके परिजनों के नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि और जो भी मांग है उस कागज़ पर लिखवाई और मैंने और SDM साहब ने उसे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा थ्रू प्रॉपर चैनल DC साहब के फॉरवर्ड किया है। DC साहब ने उसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भिजवाया है और उसमें न्यायोचित जो मांग है, जो कार्रवाई है, बहुत ही जल्दी की जाएगी। क्या परिजन मांग मान गए इस बात? देखिए, हम उनको सारी बातें उनको समझा दी है और उनसे बस यही निवेदन है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो भी उन्होंने बातें बताई थी उनका पूरा संज्ञान लिया है हमने और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।